समाज सेवा यानी सोशल सर्विस भी एक जुनून है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी वजह से इंसान अपने पराये से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आत्मसात कर लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस घोर जो व्यक्तिवादी दौर है, इस दौर में भी समाज के लिए काम करना चाहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे लगा देते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ अमर सिंह जी, जो रक्तदान की अलख जगाए हुए हैं और इसी के लिए ये साइकिल आप देख रहे हैं, इस साइकिल पे वो लगातार यात्रा करते हैं पूरे देश में। जहाँ भी उनको जाना होता है इस साइकिल पे जाते हैं और रास्ते में रुक रुक कर लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि हम सबको ब्लड देना चाहिए, क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता, जो कहीं पैदा नहीं किया जा सकता, किसी तरह से बन नहीं सकता, ये इंसान से इंसान तक ही पहुंच सकता है और बहुत सारी जिंदगियां रक्तदान से बचाई जा सकती हैं। तो ये आपका उद्देश्य है इस यात्रा का, तो कहां से आए हैं आप? सबसे पहले तो मैं पूरे रोहतक वासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हो और सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ और हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं 28 तारीख को चला हूँ और 5 तारीख को एक संस्था है हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रही है जी। और असहाय बच्चे जो अपनी किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी भी वो संस्था सहायता कर रही है। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि अमर सिंह जी, हम आपको सम्मानित करेंगे 5 तारीख को जी, तो आप आओ। तो मैंने उनको बताया कि भी मेरा लक्ष्य है कि मैं दिल्ली तक साइकिल की यात्रा करके आऊँ। तो उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखाई और मैं 28 तारीख को मेरे गांव शोदानपुरा से साइकिल पे निकला जी, जी। और रास्ते में बहुत लोगों का, बहुत युवाओं का मुझे प्यार भी मिला और रास्ते में दो मैंने कैंप भी आयोजन कर दिए अपनी तरफ से। अच्छा, रास्ते में आते रास्ते में आते आते ही जिसमें 100-200-157 यूनिट का कैंप है जी। तो इसी तरह से मैं खुद मेरी तरफ से अपने ही सहयोग से, किसी का सहयोग ना लेकर के 395 रक्तदान कैंपों का आयोजन भी कर चुका हूं और 101 बार खुद रक्तदान भी कर चुका हूं। खुद 101 बार रक्तदान कर चुके हैं और 395 रक्तदान कैंप आयोजित कर चुका हूं। तो कोई संस्था है आपकी जिसकी जिसकी तरफ से करते हैं या व्यक्तिगत तौर पे ही ऐसा करते हैं? वैसे तो अपने पूरे भारत की ब्लड की संस्था है ISBTI के नाम से जी, उसके बैनर के नीचे मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरी ये खुद की चलती फिरती संस्था है। कहीं भी ब्लड की आवश्यकता हो तो अपने फ़ोन पे संपर्क करें और फ़ोन पे ही उनको ब्लड उसी ब्लड बैंक से दिला दिया जाता है, किसी भी भारत की किसी भी ब्लड बैंक के फ़ोन आते ही। हाँ, तो ये जुनून कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? क्या ऐसी घटना घटी कि आपने ये सोचा कि ब्लड डोनेशन के लिए अलग जगाना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद होगा? 1985 में एक सिख समाज का व्यक्ति को रोड पे गाली हुआ पड़ा था, लोगों ने उठाने की हिम्मत नहीं की, अपना रास्ता दूर से बना लिया और तभी मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा पहुंचा करके उसे अपना ब्लड दे के ज़िंदगी बचाई और वो बच गया। उसके बाद मुझे जुनून हो गया, मैंने सारी ज़िंदगी इसी पे काम करना है। पहली बार जब उसको बचाया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आज आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया जो किसी इंसान को खड़ा कर दिया जी। तो पहली बार जब ब्लड दिया तो कुछ आपके मन में भी दुख हुई होगी, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है, डर लगता है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूं कि उस टाइम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जाते ही पूछा कि ये आपके क्या लगता है। तो मैंने उसको बताया, जी मैं तो उसको जानता तक नहीं, मैंने तो उसको रोड पर उठाया। तो डॉक्टर ने कहने लगा कि भले मन से पहली बात तो आपने इसको उठाया क्यों और आप इसको ब्लड दे रहे हो, ब्लड देने के दौरान आपको कुछ हो गया तो आपका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इसको उठा लिया तो मैं ब्लड के बगैर इसको मरने भी नहीं दूंगा, मेरा ब्लड लीजिए और आप इसकी ज़िंदगी बचाइए। ज़िंदगी, तो ज़िंदगी बचाना ही सबसे बड़ा काम सबसे है। बड़ा काम है, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी देने वाला बड़ा होता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कितनी ज़िंदगी आप बचा चुके हैं? मैं बता देना चाहता हूँ, जो 395 मैंने कैंपों का आयोजन किया है उसमें कुछ छोटा कैंप है वो मात्र 30 यूनिट का है और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी अपनी तरफ से आयोजन करवाया गया जी। तो इसमें जो खर्च आता है कितने साल से आप कर रहे हैं? ये खर्च मैंने मेरी खुद की जेब से ही लगाया, किसी का सहयोग नहीं लिया और इसके लिए मैं मेरी खुद की 3 किला ज़मीन भी बेच के लगा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, किसी का सहयोग मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं किसी के आगे कभी हाथ फैलाया। मैं चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचनी चाहिए बस। तो ये ज़मीन बेचने की नौबत कैसे आई?
जमीन बेचने की नौबत ऐसी आई, रक्तदान के क्षेत्र में तो काम करता ही करता हूँ, किसी भी तरह का किसी भी किसी के भाव में किसी के हॉस्पिटल में फ़ोन आ जाए, अमर सिंह जी हमारे पास मौके पे कोई बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो उनके लिए मैं पैसा अपनी जेब से पहुंचाना वो भी एक सेवा कर रहा हूं मैं। वो भी एक सेवा कर रहे हैं। तो इस साइकिल से आप कहां कहां की यात्रा कर चुके हैं? मैं पूरा पंजाब साइकिल पे निकाल चुका हूं और अभी मैं बीकानेर भी साइकिल पे जाके आया हूं। जी माननीय लोकप्रिय अर्जुन जी मेघवाल से मैं सम्मानित होके आया हूं बीकानेर, वो भी साइकिल पे जाके। अच्छा, साइकिल पे। हाँ, तो बहुत सारे सम्मान मिले होंगे आपको अलग अलग सम्मान। मैं मेडिकल कॉलेज कोटा से भी सम्मानित हूँ, अपने लोकप्रिय जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम जी बिड़ला उनसे भी मैं मिल चुका हूँ, उनसे भी सम्मानित हो चुका हूँ, और आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से, उनकी पत्नी आशा हुड्डा से, हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पाड़िया से भी मैं सम्मानित हूँ, और स्वामी रामदेव से भी मैं सम्मानित हुआ है। अच्छा, आमतौर पे जो लोग समाज सेवा के काम में लगे होते हैं उनको बाहर की दुनिया की तो बात अलग है, घर के लोग भी पागल कहते हैं और उनसे परेशान हो जाते हैं कि ये घर की तो चिंता करते नहीं है और समाज के कामों में लगे रहते हैं। तो आपको घर से सहयोग मिला या इसी तरह के ताने मिले? घर से अब तक सहयोग बहुत मिला, अब भी मिल रहा है, अब घर वाले परेशान हो गए, ये मोमेंट और प्रमाण पत्र किसी से मत लेके ना, हमारा घर भर गया, रखें कहाँ इसको। अच्छा। हाँ, उससे परेशान हो गए वो, अब मैं जहाँ जाता हूँ वहीं छोड़ देता हूँ, आप अपने पास ही रखो भाई। ठीक है, तो ये स्थिति है, और वैसे किसी का सहयोग नहीं मिला, किसी ना प्रशासन का ना किसी का कोई आर्थिक सहयोग मुझे नहीं मिला। मैं चाहता हूँ उनका ध्यान बटाना कि भी मेरे जैसे लोग बहुत हार तक के छोड़ देते हैं, उनकी समाज कदर नहीं करता और वो ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे आपने बताया कि लोग उनको पागल मानते हैं, वो पागल की स्थिति में होकर समाज से भटक जाते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। जी तो अगर आपको मौका मिले समाज में कोई आपकी हेल्प कर दे जी, तो आपका क्या सपना है ब्लड डोनेशन के फील्ड में या किसी और फील्ड में, समाज सेवा के फील्ड में क्या करना चाहेंगे आप, क्या छोड़ के जाना चाहेंगे अपने बाद? मैं यही चाहता हूं कि अगर मुझे सहयोग मिले तो घर वालों की चिंता ना हो, तो मैं पूरा जीवन इसी पे व्यतीत करना चाहता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ। लोगों की सेवा करें। हाँ। लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहें। ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत ही अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, एक डर रहता है मन में कि इससे कमजोरी आ जाती है, इससे परेशानी होती है, हार्ट पे कोई असर पड़ जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे किन लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये उन युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ब्लड के बारे में अभी भी जानते नहीं हैं कि मुझे कमज़ोरी आ जाएगी या किसी तरह की थकान होगी या मैं मतलब मुझे घबराहट होगी, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक दिन में 60-70 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ और साइकिल पे रहता हूँ, 55 साल की मेरी उम्र हो गई और इससे भी अधिक चलानी पड़े, जैसे आप जैसे लोग मिलें और रास्ते में ना रोकें तो हो सकता है कि मैं 150 किलोमीटर भी साइकिल चला लूँ एक दिन में। 150 किलोमीटर? हाँ, 150 किलोमीटर भी। क्या बात है। ये जो थैला है आपका जी, इसमें क्या क्या चीज़ें लेके चलते हैं साथ में? मैं मेरे कपड़े रखता हूँ और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन्होंने ना अपने फ़ोन में या अपने सेट के हिसाब से कर रखा है, ऐसा कोई होता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप गूगल पे रिसर्च करिए जी जी, और ब्लड मैन ऑफ इंडिया लगाइए, पूरे विश्व भर में आईडी मेरी खुलेगी और बहुत सी संस्थाओं से मैं सम्मानित हो चुका हूँ जी जी जी। ये है बिल्कुल, और ISBTI का अभी 14 जून विश्व रक्तदान दिवस पे राज्य सत्र पे मैं डायमंड अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ और उसमें मेरा 12 मिनट का संबोधन भी है जी। और ये मेडिकल कॉलेज कोटा का सर्टिफिकेट है और ये प्रशासन की तरफ से जिले पे मैं कई बार सम्मानित हो चुका हूँ। ये देखिए हिंदुस्तान न्यू टाइम्स की न्यूज़, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इन्होंने ही मुझे भारत में ये स्थान दिलवाया, वरना कोई नहीं पूछता था कि अमर सिंह क्या कर रहा है। इन्होंने मेरा 8 दिसंबर 2017 को मेडिकल कॉलेज कोटा में 2.5 घंटे तक इंटरव्यू लिया और फिर बताया कि आपने जो काम कर दिखाया आज तक किसी व्यक्ति द्वारा पूरे भारत में इतना बड़ा योगदान नहीं किया। और ये डायमंड प्रस्ती प्रमाण पत्र जो मैं जयपुर से अभी ले चुका हूँ जी, और ये है सीकर के सांसद समेदानंद जी, उनको भी मैं कैंप में बुला के कैंप लगा चुका हूँ
और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह से भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ। ये बीकानेर मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है, तो इस तरह से ये मेरा प्रमाण पत्र है। कुछ लोग ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है और कितने प्रमाण पत्र है। असल में अमर सिंह जैसे जो लोग हैं उनको जब कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको जब कोई सम्मान दिया जाता है, तो वो सम्मान अमर सिंह जी का नहीं है, बल्कि वो जो प्रमाण पत्र देते हैं उनको ये सम्मान मिलता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सम्मानित हैं। इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है और अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के काम के लिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, सबको जीने लायक बनाने के लिए, बनाने के काम में ये लोग लगे हुए हैं। तो आपको सलाम है हमारी तरफ से, बहुत बहुत साधुवाद कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो अभी आप मिले ब्लड मैन ऑफ इंडिया से, जिन्होंने पूरे देश में ब्लड डोनेशन की एक अलग जगाई हुई है, और इस समय दिल्ली जा रहे हैं आप। शाम का समय होने को है तो आपको पहुंचना भी होगा आगे। आगे तो आज अपने भादरगुड में एक जी बहुत बड़ी मतलब युवाओं की टीम खड़ी है स्वागत के लिए, उनका फ़ोन भी आ रहा है, तो आपके सुनने वाले और आपके सभी भाइयों को, नए नए लोगों से मिलें, उनमें ब्लड डोनेशन का जज्बा जगाएं। और बिल्कुल। ये जो दुनिया है ना, ये जो सिर्फ अपने तक सिमटी हुई है, इसको जितना हम खोलें, जितना बड़ा बनाएं, वो एक बड़ी चीज़ है जो काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। जी जी। और मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले ब्लड डोनेशन करेगा, अन्यथा मेरे घर में आए। अच्छा। 114 बारातियों ने पहले डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात लाई, आज तक ऐसा पूरे विश्व में नहीं हुआ। अच्छा। तो एक ऐसी ही घटना मेरे को अभी याद आई कि आपकी माता जी जब एक्सपायर हुई। हाँ, 5 अगस्त 2011 को माता जी की रस्म पगड़ी वाले दिन भी मैंने घर रक्तदान का कैंप ही रखा कि मेरा परिजन, मेरा सज्जन वही है जो घर आके रक्तदान करे मेरी माता जी की रस्म पगड़ी पर। तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मतलब किस तरह की बातें करते हैं? नहीं, रक्तदान के प्रति तो लोगों का मेरे प्रति बहुत बड़ा रुझान है, और दूसरी तरफ मैंने कभी रुझान नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों की तो थ्रोटी ऐसी है कि उन्होंने टिप्पणी करनी है, तो मैं बस चलता सहयोग नहीं करते, सहयोग नहीं करते, टांग खिंचाई करते हैं, ज़्यादा करते हैं बस। बिल्कुल। तो चलिए, आप इन सबसे ऊपर उठे हुए हैं, बहुत बढ़िया आपका काम, और ऐसे ही अलग जगाते रहिए। शुक्रिया।